अच्छी तरह से याद रखिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। योग की अवस्था की प्राप्ति। योग क्या है? जो समय है और दूरी है, स्पेस कहते हैं दूरी, और जो टी लिखा इसको कहते हैं समय। समय और दूरी, ये जो दिखाई पड़ता है नहीं, ये जीरो है। ये अगर समय दूरी जीरो है, ये पता चल जाए तो कैसे लगेगा? हमें लगेगा हम सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी हैं तो कैसे तब हमारा चित्र होगा, कैसे फोटो होगी? ये देखिए सर्किल है, सर्किल का हर बिंदु आदि और अंत है। ठीक है, हम मानते हैं। देखिए पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, फल का एक एक बीज है, फल का एक एक आकार है, कोई फल लंबा है, कोई फल छोटा है, जैसे केला। अब केला देखिए दो तरह का होता है, एक है जिसमें बीज नहीं है, बीज रहित केला, इसमें बीज नहीं है। एक केले में बीज है, जो केला बीज वाला बहुत फ़ायदा करता है लेकिन मिलता नहीं है। हमारे बचपन में तीन पेड़ थे केले जो बीज वाले थे, कोई खाता नहीं था हमारे अलावा। छोटे छोटे होते, खूब बीज भरा होता है तो। लेकिन हमें ये केला अवेलेबल है बीज, लेकिन इसको चूँकि किसी हार्मोन से नहीं एक्टिवेट किए हैं। जैसे ऑरेंज हम सीडलेस बनाते हैं, हम आम भी सीडलेस बनाने की तैयारी में हैं। जब आपका फल सीडलेस हो जाता है, उसमें बीज नहीं रहता, तो उसकी ताकत बहुत कम रहती है। चूँकि केला वो सीडलेस किया नहीं गया, नेचुरल है, प्राकृतिक रूप में है वो, जिससे उस केले को खाने में ताकत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आम है, ऑरेंज है, अपने सीडलेस उसको बनाया है प्रयोग करके, हार्मोन्स करके, जेनेटिक ऑल्टरेशन करके, तो उसमें ताकत कम होगी। तो इसे देखिए जितने भी बीज हैं वो सर्किल मिलते हैं। देखिए चावल का बीज है ये, या राइस है ये। चावल का बीज एक है जो लंबा लंबा आता है, सोते बहुत अच्छा लगता है लंबा लंबा चावल। एक है चावल जो कम लंबा है, थोड़ा उससे कम लंबा है। एक है थोड़ा सा ज़्यादा गोला है ये, तो ये ज़्यादा पसंद किया जाता है, उससे कम या सबसे कम ये। लेकिन सबसे ज़्यादा सत्वगुण किस में होगा? इस गोले वाले चावल में, लंबे वाले चावल में कम होगा। ऐसे जितने अनाज बीज जो ज़्यादा गोले, आलू खरीदते हैं, जो आलू गोली होगी वो ज़्यादा, उसमें सत्ववृत्ति का शक्ति होगी, लंबी वाले में नहीं होगी। ऐसे आप इसको आप समझ सकते हैं धीरे धीरे। तो अब देखिए, अभी जो राइस है जो लंबा है, अभी खाने का जो आपके पास आएगा तो आपको ज्ञान है। ये जो छोटा राइस होता है, फिर उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, अरे आज मेहमान आए हैं, आज लंबा वाला बनाओ ना राइस, लंबा वाला बन गया। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, मन है, ये माया से ग्रसित है हमेशा। जो पहली पसंद है माया भी पसंद है ये, जो माया भी पसंद है तो उसका परेशानी होती है। तो अब देखिए, अब चलो ठीक है, सिर से पैर की उंगली तक हम इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। तो अगर हर चीज़ परमात्मा से आई है, परमात्मा सर्वव्यापी है, हर चीज़ गोल होनी चाहिए। पृथ्वी गोल है, सूरज चांद गोल है, सब चीज़ गोल है, हम क्यों नहीं गोल हैं? हम गोल कैसे होंगे? ज्ञान के द्वारा। ये दिया गया कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि रियल ऑमनीप्रेजेंस नेचर कैसे प्राप्त करेंगे। ये देखिए अपना आकार है, ये है सिर, ये है हेड, और ये है आर्म्स। ये है राइट आर्म, ये है लेफ्ट आर्म, ये है लेग, इसको लोअर लिम्ब कहते हैं। ये सब जो है सफेद बनाया जाता है स्टार के रूप में। सफेद क्यों बनाया जाता है? सफेद रंग प्रकाश ज्ञान को कहते हैं। कौन सा ज्ञान? वही ज्ञान जो ये बताता है कि हम पूर्ण हैं, हम सर्वव्यापी हैं। जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र होते हैं, जब सिर में ध्यान किए तो क्या पता चला? सारा ज्ञान। ज्ञान क्या पता? मैंने आपको देखा, अरे आप बड़े महान हैं। एक पेड़ को देखा, अरे तो बहुत महान है, तो परमात्मा पेड़ के रूप में है। ये एक धूल का कण है, परमात्मा के रूप में है। जब ये सब देखने लगते हैं, इसका मतलब कि अब हमारा रूपांतरण हो गया है। हाथ की अनुभूति करते जब आपको देखे, आप महान दिखाई पड़े, तो अब हम उस स्थिति को पा गए हैं, सर्वव्यापकता की स्थिति में हम आ रहे हैं, आ गए हैं। फिर आप दूर से किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा।
अगर वहाँ प्रकट होकर के मदद करेंगे तो डर के मारे मर जाएगा, भूत आ गया है। अभी रात आप सोए लाड़ी माँ से आए, कहते हेलो माई ड्यूटी, तो आप बैठे रहेंगे, हरे भागेंगे, भूत है गुरुजी, भूत आ गया। क्या भूत है? फिर कहें लाड़ी माँ से तरह दिखाता, अरे बड़े बेगूफत का तो भूत आ गया। लेकिन वही परमहंस योगानंद थे, इक्तेश्वरगिरी आए, उनको पकड़ लिए, उनको नहीं डर लगी भूत आ गया। जब सिर से पैर की उंगली तक के पता चलता ज्ञान है, तब हम पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। पथभ्रष्ट होना क्या है? अज्ञानतम फंस जाना। स्वामी इक्तेश्वरगिरी आए तो डर गए कि भूत आया है। जब लाड़ी माँ से ने आह्वान किया महावतार बाबा का, क्या प्रकट हुई, क्योंकि बंगाल में ये लोग नहीं मान रहे हैं कि आप हैं। जब प्रकट हो गए और दरवाज़ा खोला, देखो ये हमारे गुरुदेव हैं महावतार बाबा। कहते लहड़ी तुमने हिप्नोसिस सीख लिया, हम सबको हिप्नोटाइज कर दिए, अभी कमरे में कोई गया नहीं तो कहाँ से आ गए यहाँ से। तब महावतार बाबा बाहर आते, देखो हमारा हाथ पैर छुओ, वही हार मांस का जो तुम्हारा है, हलवा बनाओ खाया जाए। तो हलवा खा के भी दिखाए, देखो तुम लोग तो रहते हैं। फिर कमरे में गए, डिसअपियर कर गए। तो अगर ऐसे कोई प्रकट हो जाए तो आप कहेंगे भूत आ गया, तो आप कहेंगे क्या भगवान आ गया, भागेंगे आप, क्योंकि क्रिया एक ध्यान करके ये नहीं अनुभव कर पाए हैं। सिर से पैर कमरी तक ज्ञान है, अभी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं आप, अभी हल्कापन भारीपन कहते हैं, थक गए ये कहते हैं, गर्मी ज़्यादा है, अरे हम कूल एयर चाहिए, कूल एयर चाहिए। वरना इस भारतवर्ष में न एयर कंडीशन की जरूरत है, न कूलर की, न पंखे की। अगर आप बिना पंखे कूलर एयर कंडीशन के रह ले और जो अनुभव परमानंद आए, तब आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इसे जितने लोग लग्जरी के हैबिचुअल हैं, स्पिरिचुअल पाथ में नहीं आ पाएंगे वो। तो लग्जरी के हैबिचुअल हम करें क्या? इसी है कार, सब कुछ तो है, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए सिर से पैर कमरे तक हर जगह पानी निकलने लगे। जैसे जब पानी ज़्यादा हो जाता है पृथ्वी में, पेड़ हरे हो जाते हैं, फसलें हरी हो जाती हैं, नहीं तो बाहर से सिंचाई करना पड़ता है। सिर से पैर की उंगली तक जिसमें एकाग्रता बढ़ाइए, खूब मेहनत से सेवा करिए, जो पसीना निकलता है ना, वैसे ही जैसे ज़मीन से पानी निकलता पेड़ों के लिए, पसीना निकला। एक आदमी इसी में से है, हमको बहुत प्रेम करते हैं, एक बार पसीना निकला, लेकिन फट से पोछ दिए। अरे हमको अच्छा क्यों पोछ रहे भाई हमारे पसीने, क्योंकि बड़ी दया आ रही थी हमारे ऊपर कि पसीना निकल रहा है, पोछ दिए। ठीक है, उनको दया करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो आपके अंदर पानी निकलता है, जिस पर जो बरसता है, वो न्यूट्रिशन है, वो अंदर की हर चीज़ों को पूरा न्यूट्रिशन दे देता है वो, लेकिन हम इसको नहीं जानते हैं। तो ज्ञान आएगा कहाँ से? गूगल से? गूगल में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। सिर से पैर की उंगली तक जो शक्ति इस रूप में बनी, उसी को पकड़ना पड़ेगा। वो कौन सी शक्ति है? एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसको कहाँ पाएंगे हम? जो चक्र कहते मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये सूक्ष्म शरीर का है। तो भौतिक शरीर में क्या है? ये प्लेक्सेज है, ये सेरिब्रल प्लेक्सेज, मेडुलरी प्लेक्सेज, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। तो चक्र कहाँ गए? चक्र इसके अंदर मिलेंगे, तो उसको कैसे पकड़ें? तो देखिए चक्र की जो अपेंडिजेज हैं, चक्र का हाथ पैर, उसको पहले पकड़िए। तो चक्र का हाथ पैर कहाँ से पकड़ें हम? जो कड़ा करते हैं, जो ढीला करते हैं, ये एस्ट्रल बॉडी का है। एस्ट्रल बॉडी की शक्ति है, उस शक्ति से जो कड़ा करते ढीला करते हैं। जब आप कड़ा करिए, तन्हो करिए, कड़ा कैसे हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला कैसे हो रहा है, कड़ा कैसे हो रहा है, ढीला कैसे हो रहा है। जब आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो एस्ट्रल बॉडी कांटेक्ट में आएंगे, तो एस्ट्रल बॉडी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। कैसे हड्डी ठीक करिए, कैसे आँख ठीक करिए, कान ठीक करिए, दांत ठीक करिए, इस शरीर के चमड़ा मांसपेशी कैसे ठीक करिए, सारा ज्ञान उसी में है। तो ज्ञान बहत रहा है, जो ज्ञान बहता है उसको आप कहते हैं थकावट है, दर्द है, तकलीफ है, कड़ापन, ढीलापन, ये नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर बहने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान और शक्ति से सिर से पैर कमरे तक ये बना, वही है वो। जो टेंशन रिलैक्सेशन करते हैं कितना इम्पॉर्टेंट पता है आपको?
तो चलो कैसे हमेशा करें, इसलिए ज्वाइंट फैमिली चाहिए। मान लीजिए हाल का हमें झाड़ू पोछा लगाना है, तब एक आदमी लगाएगा तो कितना समय लगेगा, फिर खेत में भी काम करना है, खाना भी बनाना है, घर की भी सफाई करनी है, पेड़ों में पानी देना है, कुछ जानवर भी हैं उनकी भी सेवा करना है, तो एक दो आदमी कैसे करेंगे। एक दो आदमी कर तो सकते हैं लेकिन पागल हो जाएंगे काम करने में। पागल होने का मतलब क्या है, काम तो करेंगे वो लेकिन इन परिवर्तनों में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। सिर से पैर की उंगली तक जो परिवर्तन होते हैं, यही सूक्ष्म शरीर है जो परिवर्तन के रूप में अनुभव करते हैं, उसके साथ जब तक साथ नहीं होगा आपका, संगात संजायते कामा, काम करते शक्ति को, तब तक सूक्ष्म शरीर की शक्ति को नहीं पकड़ पाएंगे आप। हमको सूक्ष्म शरीर की शक्ति को पकड़ना है, जो कड़ा ढीला करते उसको अनुभव करिए, कैसे कड़ा हो रहा है, कैसे ढीला हो रहा है। पूरा रिचार्जिंग कर लेते 142 तक, लेकिन इस भाव में थोड़ी कर पाते हैं अभी। अभी तो लगता है कि आप खूब व्यायाम कर रहे हैं। रिचार्जिंग करते समय जो आप करते हैं, जैसे लैटरल स्ट्रेचिंग है या वर्टिकल स्ट्रेचिंग है या डबल ब्रीदिंग है, तो कोर्स ऑफ रिलैक्सेशन कैसे रिलैक्स हो रहा है हर जगह, सिर से पैर की उंगली तक। एंड कोर्स ऑफ टेंशन, जो टेंशन फील हो रहा है सिर से पैर की उंगली तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, इसमें अनुभूति करिए। जैसे अनुभूति आप कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो इसे याद रखिएगा एक चीज, जैसे आपको आम का स्वाद क्या है पाने के लिए आम खाएंगे ना, किसी चीज़ को जानने के लिए उसके साथ होंगे ना। हमें ज्ञान चाहिए हड्डी बनाने का, गठिया हुई है, हमें ज्ञान चाहिए ट्यूमर डिजॉल्व करने का, क्योंकि हुआ है, हमें ज्ञान चाहिए ब्लड प्रेशर ठीक करने का, डायबिटीज ठीक करने का, पेट की बीमारी, इसको ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान है कहाँ, ज्ञान ही तो है जो कड़ापन ढीलापन अनुभव करते हैं उसको, और वही ज्ञान माथे के सामने जो देखते हैं रंगीन तरंगों के रूप में वही है, वही ज्ञान श्वास के रूप में है, जो कान बंद करते हैं जो सुनते हैं वो है। तो उस ज्ञान से संपर्क करिए, उसको अनुभव करिए, तो आपके तक ज्ञान हो जाएगा, आप अपने ठीक कर लेंगे। कोई दर्द की गोली, कोई कैल्शियम, कोई विटामिन डी आपको पूर्णतया गठिया से मुक्ति नहीं दे सकती, कोई डॉक्टर बता दे, हाँ रिलीफ मिलेगा। फिर कह देंगे अरे अब तो बूढ़े हो गए 80 साल के ना, अब तो गठिया होनी चाहिए, तलंगा स्वामी की क्यों नहीं हुई गठिया, वो 280 वर्ष के कोई गठिया नहीं, 300 पाउंड का वजन, इतने वर्ष तक उनको गठिया क्यों नहीं हुई। इस तरह से आप ध्यान दीजिए जो हम कह रहे हैं, हमको आपको मिलकर के इस भारतवर्ष में सत्य और अहिंसा का एक विचार फैलाना है। जब तक विचार फैलेगा नहीं, आपस में झगड़ा करते रहेंगे, रोज देखिए कोई ना कोई मारा जा रहा है, रोज कहीं कहीं मर्डर हो रहा है, रोज कहीं कहीं हत्या हो रही है, ये सब चीज़ बंद करना है कि नहीं। जो मारे जा रहे हैं अपने ही लोग हैं, जो झगड़ा करते हैं अपने ही लोग हैं, तो सक्षम बनना है कि नहीं। आज का कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या रहा, निष्कर्ष यही है, सूक्ष्म शरीर से आपको संपर्क करना है। जब तक उससे संपर्क नहीं होगा तब तक अपने को ठीक नहीं कर पाएंगे। जो कड़ापन ढीलापन करते हैं तो सूक्ष्म शरीर है जो बह करके जाती है पैरों तक। जब पैर को अगर हमने कड़ा किया तो सूक्ष्म शरीर की शक्ति वहाँ बह करके गई, तभी हुआ, तभी हम चल पा रहे हैं। उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम करने में जितने तरह के परिवर्तन प्रकट होते हैं उनमें एकाग्रता बढ़ाइए। वो सूक्ष्म शरीर की अनुभूति कर रहे हैं इसी के अंदर, उसका धीरे धीरे इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप इस शरीर को बना लेंगे आप।